हेलो एवरीवन, आई एम साकेत बाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस, देहरादून। वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडो। द क्वेश्चन सेज अ स्मॉल बार स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एक्स कवर्ड एज के इक्वल टू ए एक्स, वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बार टिल इट स्टॉप्स एंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी ओवर दिस डिस्टेंस। तो देखिए बच्चों, सवाल में क्या दे रखा है कि एक स्मॉल बार है ना, एक स्मॉल बार है जो कि स्लाइड कर रहा है डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, जो कि अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये जो रास्ता है ये स्मूथ नहीं है ना, फ्रिक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो के है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वो एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस एक्स कवर्ड है ना, जहां पर ए क्या है वो एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बार टिल इट स्टॉप्स एंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी ओवर दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि ये एक तो मैक्सिमम कितनी दूरी ट्रैवल कर सकता है ना, लेट अस से कि यहां से यहां तक गया है ना, तो ये दूरी हमसे एक तो पूछी गई है। ये हो गया x बराबर जीरो और ये हो गया वो x बराबर x मैक्स है ना, जहां तक ये मैक्सिमम जाएगा। और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी फिर ये रुकी गया एक जगह, तो कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हुई होगी ना, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी भी हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों किसी मोमेंट पर है ना, इसकी लोकेशन क्या है, एक्स डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट हैड स्टार्टेड है ना, तो इस जगह पर जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना के, वो हम लोग कितना बोल देंगे, वो हम लोग बोल देंगे ए इंटू एक्स। क्लियर है बात, क्योंकि इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, एक्स ट्रेवल करा है। ठीक है, अब इसका एक्सेलरेशन हम लोग कितना बोलेंगे, तो हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि इस पर एक फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग है ना, एक फोर्स तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और वो कौन सा है, एम जी का साइन अल्फा कॉम्पोनेंट, और एक अप द इंक्लाइन भी इस पर फोर्स लग रहा है जो कि फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन, और वो कितना हो जाएगा, वो बेसिकली हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन है, इस वजह से उसकी वैल्यू हो जाएगी के इंटू नॉर्मल। अब ये नॉर्मल कैसे निकाले, तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इस पर है ना, इसके ऊपर दो फोर्सेस और भी लग रहे हैं है ना, जो कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है, एक तो हो जाएगा नॉर्मल इस तरीके का और एक हो जाएगा एम जी का कॉस अल्फा कॉम्पोनेंट। क्लियर है बात, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि नॉर्मल को किसके बराबर होना पड़ेगा, एम जी कॉस अल्फा के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तो मोशन नहीं कर रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन डायरेक्शन में इस पर नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। तो हमें नॉर्मल मिल गया है ना, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही है, एम जी कॉस अल्फा। तो अब देखिए हम लोग क्या बोल देंगे कि इस पर जो नेट फोर्स है वो कितना हो गया, वो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर नेट फोर्स जो है ना, वो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूं तो मैं नेट फोर्स बोल दूंगा एम जी साइन ऑफ अल्फा माइनस, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है और वो भी कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, के इंटू है ना, माइनस के इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल है एम जी कॉस अल्फा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस के एम जी कॉस ऑफ अल्फा। अब नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी जी साइन अल्फा माइनस के जी कॉस अल्फा है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया, और मैंने डाउन द इंक्लाइन डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव डायरेक्शन माना है। ठीक है, तो उस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया है। अब देखिए एक्सेलरेशन को और क्या लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है वी डी वी बाई डी एक्स है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन को लिख देता हूँ वी डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर। और यहां से देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी जी साइन अल्फा माइनस, अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देख सकते हैं हम लोग कि के की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू एक्स है ना, तो यहां पर लिख देंगे माइनस ए एक्स इंटू जी कॉस ऑफ अल्फा है ना, ये देखिए मैंने यहां पर सिंपली ए में ये वैल्यूज पुट करी है ना, तो ये कौन सा ए है, एक्चुअली ये एक्सेलरेशन है ना, तो ये मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, एक्सेलरेशन लिख देता हूं ना, ए सी सी। ठीक है, और यहां पर भी ऊपर भी जो एम इंटू ए है, यहां पर भी मैं क्या लिख देता हूं, ए सी है ना, यहां पर ऐसा लिख दूंगा ए सी सी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। तो अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर वी डी वी को एक तरफ रख देते हैं है ना, और dx को इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, g साइन अल्फा माइनस ए एक्स जी कॉस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर dx आ जाएगा। अब सिंपली हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट है ना,
तो हमें पता है कि x इक्वल टू जीरो पर है ना, x इक्वल टू जीरो पर क्या हो रहा था, वेलोसिटी जीरो थी, और लेटर से किसी x पर वेलोसिटी हो गई भी है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसे इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट वाला टर्म तो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू, और राइट साइड वाला टर्म कितना आ जाएगा, तो पहला वाला टर्म देखिए हो जाएगा जी साइन अल्फा, और सिंपली एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि जी साइन अल्फा तो कॉन्स्टेंट है, और अगला टर्म क्या आ जाएगा माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय जी कॉस अल्फा, यहां तक तो ये कॉन्स्टेंट है। अब एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन टू है ना। तो ये हमारे पास वी स्क्वायर जो है फंक्शन ऑफ एक्स आ गया है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए हम लोग क्या सोच सकते हैं कि फाइनली जो है ना, फाइनली जो है जब ये एक्स मैक्स पर पहुंच रहा है ना, एट एक्स इक्वल टू एक्स मैक्स, हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो फिर से जीरो हो गई है ना। तो उस वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि जी साइन अल्फा इंटू एक्स हैज टू बी इक्वल टू ए जी कॉस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू है ना, तभी तो यहां पर वी जीरो आएगा। तो एक तो एक्स इक्वल टू जीरो पर हो ही रहा था है ना, एक तो वो वाला हो गया, एक्स कैंसिल आउट हो गया, और दूसरा हम लोग देख सकते हैं अगला एक्स कब आएगा, जी से जी भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया टू टाइम्स टैन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय ए है ना। तो जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2 tan अल्फा अपॉन a, तो उस मोमेंट पर क्या हो रहा है कि इसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, जीरो हो रही है दोबारा। तो यही बेसिकली क्या है, ये हमारा x मैक्स है। अब देखिए बच्चों हम लोग आ जाते हैं सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, v मैक्स पूछा गया ना। तो अगर v मैक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो हमें क्या करना होगा, जैसे v स्क्वायर हमारे पास ऐसा कुछ आया था, तो अब हमें पता है कि इसे अगर मैक्सिमाइज करना है तो क्या होना चाहिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर dv by dx की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तभी v क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो अगर इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, देखिए 2v है ना dv by dx और डिवाइडेड by 2, इसको तो जीरो करना है, और ये किसके बराबर आ जा रहा है, जी साइन अल्फा माइनस ए जी कॉस अल्फा, और एक्स स्क्वायर बाई टू का डिफरेंशिएशन ये तो सिंपली हो जाएगा एक्स है ना, क्योंकि टू उतर करके आएगा तो टू से कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। तो ये हमारे पास आ गया, तो डी वी बाई डी एक्स को तो हमें जीरो करना था राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, जी साइन अल्फा हैज टू बी इक्वल टू ए जी कॉस अल्फा इंटू एक्स, ठीक है। तो यहां से जी कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है फिर से, और हमारे पास सिंपली जो x की वैल्यू आ जा रही है वो कितनी आ जा रही है, tan ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय a। तो जब x की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, tan अल्फा पौन a, तो उस टाइम पर जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये जो x आया है इस वैल्यू को पुट करेंगे कौन से एक्सप्रेशन में, ये जो ऊपर एक्सप्रेशन था ना बी स्क्वायर बाय टू वाला, तो इसमें हम लोग x की वैल्यू कितनी पुट कर दें, tan अल्फा पौन a ना, यहां पर पुट कर देंगे और यहां पर पुट कर देंगे x इज इक्वल टू टैन ऑफ अल्फा अपॉन ए। अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, v max है ना, v max का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, g साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू क्या रख दे, टैन अल्फा अपॉन ए, तो टैन अल्फा अपॉन ए माइनस ए जी कॉस अल्फा, और यहां पर डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा, और x की वैल्यू क्या रख दे, tan अल्फा अपॉन ए, तो tan स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर हो गया है ना। तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं a से एक a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये आ जाएगा है ना v max का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 2g sin अल्फा है ना, और यहां पर हम लोग tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा को tan अल्फा ही रहने देते हैं, tan अल्फा अपॉन, अब यहां पर a आ जाएगा है ना, माइनस यहां पर क्या लिख दें, 2 से 2 चला गया है ना, तो यहां पर सिर्फ क्या बच गया, g मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा, अब एक tan अल्फा है और एक tan अल्फा को मैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा लिख देता हूं ना, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ a आ जाएगा ना। तो cos अल्फा से देखिए एक cos अल्फा चला गया, और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने tan अल्फा को tan अल्फा क्यों रहने दिया ना, क्योंकि दोनों तरफ वैसा ही क्वांटिटी बन रहा है। तो v max का स्क्वायर देखिए ये कितना आ जा रहा है, 2g sin अल्फा tan अल्फा अपॉन a माइनस g tan अल्फा sin अल्फा होगा, नहीं
तो ये कितना बन जाएगा, सिंपली जी मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा टैन ऑफ अल्फा अपॉन ए के बराबर। क्लियर ही बात। तो यहां से देखिए हमारे पास वी मैक्स डायरेक्टली आ जाएगा, वी मैक्स विल बी इक्वल टू पूरा का पूरा जो है अब वो आ जाएगा रूट के अंदर, है ना। तो यहां पर हम लोग रूट लगा देंगे, है ना, और क्या लिख देंगे, जी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा टैन ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाय ए। तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।